मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी टॉय फेस्टिवल खिलौना कार्य का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह फेस्टिवल 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। इस अवसर पर बुधनी में आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा सांसद रमाकांत भार्गव भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बुधनी के खिलौनों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को साकार करने के लिए खिलौना उत्सव आयोजित किया गया है। बुधनी के खिलौनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह मेला महत्वपूर्ण होगा। इस टॉय फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य बुधनी को देश में टॉय क्लस्टर के रूप में विकसित करना है, ताकि इस पारंपरिक कला का संरक्षण संवर्धन के साथ ही कलाकारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर आत्मनिर्भर बनाई जा सके। कृपया जोरदार ताली करतल ध्वनि के साथ भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस बुधनी खिलौना महोत्सव आयोजन का शुभारंभ। मध्य प्रदेश का मतलब समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश। और जब मैं समृद्धि की बात कहता हूं तो केवल कुछ लोगों की समृद्धि नहीं, गरीब तक भी विकास का प्रकाश पहुंचे इसकी चिंता। आम आदमी जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश नहीं मान सकते। उसके लिए कई तरह की योजनाएं हमने बनाई, उन सब के बारे में आज विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन रोजगार प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक योजना सोची, हर जिले के एक उत्पाद को हम बढ़ावा देके उसको इस स्तर पर ले जाए कि वो पूरी दुनिया में छा जाए, देश भर में तो छा ही जाए। एक जिला एक उत्पाद। आज सवेरे भोपाल में मैंने जरी और जरदाजी का काम होता है, मेरे वो कारीगर भाई बहन लगभग 200 से ज्यादा परिवार जो दुधई की लकड़ी लेके उससे हाथों से अद्भुत खिलौने बनाते हैं। 280 शिल्पकार हैं, इनमें से 120 वन विभाग के पास भी रजिस्टर है। हमारी कोशिश रहती है कि दुधई की लकड़ी कम कीमत पर हम उपलब्ध करा के इन बहनों भाइयों की कला का सम्मान भी करें। 14 तारीख तक इसमें विभिन्न विभिन्न आयोजन होंगे, विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और हमारे धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। ऐसे करके पर हमारे जननायक और हमारे लाडले नेता इस मध्य प्रदेश को। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सीहोर से ब्यूरो रिपोर्ट।